प्रशांत किशोर आज मिथिलांचल के दौरे पर थे। दरभंगा में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जदयू से बाहर होने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि CAA NRC के मुद्दे पर जदयू के अंदर विरोधाभास था, इस वजह से उन्होंने CAA NRC का विरोध किया और नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में यह लागू नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला किया और पार्टी से बाहर निकल गए। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। आप क्या तो जदयू में थे ही, लेकिन जदयू छोड़ के निकल के कहीं नहीं कुछ न कुछ मत तो अरे भाई जदयू छोड़कर निकल गए वो एक मुद्दा था। जदयू में आए थे वो ऐसी सोच थी कि इस पार्टी को लेकर इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए, लेकिन CAA NRC के मुद्दे पर हमारे और जदयू के नेतृत्व में उस समय कुछ मन मुकाव हुआ। पार्टी में ये तय किया गया था कि हम लोग CAA NRC के विरोध में रहेंगे। पार्लियामेंट में पार्टी ने वोट किया उसके फेवर में। उसके बाद जब नीतीश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो वोट हुआ है उसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं कहीं दौरे पर था और विधानसभा में उन्होंने CAA NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी कि पार्टी में आप एक बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात कह रहे हैं और विधानसभा में तीसरी बात कह रहे हैं। उसको लेकर मैंने कुछ बयान दिए, पार्टी को अनुशासन के खिलाफ लगा, उनकी पार्टी उन्होंने मुझे हटा दिया, उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ, उससे छोटा नहीं बना हूँ। पार्टी जदयू उस समय कितनी बड़ी थी और अभी कितनी बड़ी है, आप देख लीजिए और आप अंतर लीजिए।